नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ ठाकुर और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एमबीए ट्रेनर के सीडीएस सेशन में। सीडीएस का मतलब है कंटेंट डेवलपमेंट सेशन। इस सेशन में बेसिकली हम लोग उन टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं जो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप लोग अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी, चाहे कैट IIM हो, जैट हो, IFT, MBA का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर बैंक, SSC और इस तरह से कैंपस के एग्जाम्स, या GRE GMAT, इस तरह से अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। हो सकता है आप ये वीडियो YouTube में, इंस्टा में, फेसबुक में कहीं भी देख रहे होंगे। आप YouTube में हमारे चैनल एमबीटर सौरभ ठाकुर भी जा सकते हैं, वहां पे इस तरह के बहुत सारे CDS के सेशन, जैसे हम लोग करंट अफेयर्स या फिर ऐसे टॉपिक्स जो रिटर्न इंटरव्यू में या फिर वैट रिटर्न एबिलिटी टेस्ट में काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। राइट, इसके पहले जैसे मैंने आसिया बीबी पर डिस्कशन किया था, उसके पहले मैंने ट्रंप मिस्टर ट्रंप के पॉलिसी पर डिस्कस किया था, जो यस सॉलिज को बोलते हैं, JUS लिखते हैं, पढ़ते यस सॉलिज है, यस सॉलिज पर डिस्कशन किया था, और इस तरह से इसके बाद कतर वगैरह पर डिस्कशन किया था। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो चलिए आज का फिर एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का टॉपिक, है एक ऐसे विश्व की कल्पना जहां पे हम देख सकते हैं मोर ग्रैंड पेरेंट्स देन ग्रैंड चिल्ड्रेन, अ वर्ल्ड विथ मोर ग्रैंड पेरेंट्स देन ग्रैंड चिल्ड्रेन। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे समझिएगा। इस बीच आप देखिए, आपने इस बीच में बहुत सारी शायद रिपोर्ट की होंगी, चाहे वो द लैंसेट रिपोर्ट हो, चाहे IHME की रिपोर्ट हो, चाहे UNFPA की रिपोर्ट हो, चाहे नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट हो, NBFR बोलते हैं उसकी रिपोर्ट हो, अलग अलग इन संस्थानों की रिपोर्ट हो, इन सभी में जिस टॉपिक पर डिस्कशन होता है वो है फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट, इसके अलावा माइग्रेंट इमिग्रेशन पर डिस्कशन होता है। इन सारी चीजों पर डिस्कशन करने वाले आज की क्लास में। इस फोटोग्राफ को ऑफेंसिवली मत लीजिएगा, इस फोटोग्राफ का मीनिंग है, यहाँ पे इस लड़के ने ट्रायंगल को उठाया हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ है द ओनली चाइल्ड आई कैन नॉट सपोर्ट देम, ये लिखा हुआ पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स। इस ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, आज से कुछ वक्त के बाद हम लोग यहाँ पे रहेंगे और हो सकता है हमें से कुछ लोग यहाँ पे होंगे और उसके बाद हम लोग भी यहाँ पे होंगे, और ये फोटोग्राफ शायद तब आज से भी ज़्यादा वैलिड होगी। आज की क्लास कंप्लीट करते समय आप ये एक फोटोग्राफ मैं आपको दोबारा शेयर करूंगा और तब आपको समझ में आ जाएगा कि फोटोग्राफ क्यों बिल्कुल वैलिड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल दिया हुआ विकिपीडिया में, वैसे मैं अपने सारे स्टूडेंट्स क्लास के स्टूडेंट्स से भी बोलता हूँ, विकिपीडिया जरूर पढ़े, बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है और बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स में दिए होते हैं। तो मेरी इस क्लास को सुनने के बाद आप एक बार विकिपीडिया में लिखिएगा टोटल फर्टिलिटी रेट और जरूर पढ़िएगा। अच्छी क्लास स्टार्ट करने के पहले एक बार आपको जरा डिस्क्लेमर देता हूँ, चाहे फर्टिलिटी रेट बोलिए या टोटल फर्टिलिटी रेट बोलिए, इन दोनों में से कोई भी चीज़ बोलिए, इसका मतलब होता है ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो एक लेडी, एक वुमेन डिलीवर करती हैं अपने लाइफ टाइम में। सो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिलीवर्ड बाई अ लेडी अ वुमेन इन हर लाइफ टाइम, राइट। चाहे आप उसे फर्टिलिटी रेट बोल दीजिए या टोटल फर्टिलिटी रेट बोल दीजिए, एक ही बात है, दोनों का मतलब एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमेन गिव्स बर्थ टू इन हर लाइफ टाइम। इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा बर्थ रेट से, बर्थ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 पीपल हर एक साल। इसी विकिपीडिया में अगर आप जाएंगे टोटल फर्टिलिटी रेट जब आप लिखेंगे तो आपको कुछ इस तरह की इमेज भी दिखेगी जैसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस तरह से एक भी ब्यूटिफुल उन्होंने टोटल फर्टिलिटी रेट को ग्राफिकली ऐसा दिखाया है और एक यहाँ पे टाइमलाइन दिया हुआ है। ये टाइमलाइन 1950 से 10-10 साल का गैप और ये रहा 2090। आप देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल फर्टिलिटी रेट और ये रही पूरी दुनिया। आप देख सकते हैं दुनिया के बहुत सारे देश, स्पेशली एशियन रीजन, अफ्रीकन रीजन, तो ये सभी रीजन मेनली डार्क रेड कलर और येलोइश कलर पे, यूरोपियन रीजन या फिर अमेरिका, ये सब आप देख सकते हैं ग्रीनिश कलर या ग्रीनिश ब्लू कलर, टील कलर इसको हम कहते हैं। तो देखिए फर्टिलिटी रेट जो डेवलपिंग, आज के टाइम पे भी अंडर डेवलप्ड डेवलप्ड डेवलपिंग इकोनॉमी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा खासा हाई है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 5.56 या उससे ज़्यादा है। और डेवलप्ड कंट्रीज में 1950 में भी, ये 1950 का ग्राफ है, 1950 में आप देख सकते हैं ये है तकरीबन 2.5 या 2.25 से लेके 5 के बीच में। अब आप जरा सिर्फ ग्राफ को देखिएगा, डार्क ब्लू कलर यहाँ पे देखिए इस रीजन को रिप्रेजेंट कर, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा तो यहाँ पे पोलैंड वगैरह आता है, लैथविया, ल्यूथेनिया, और ये यहाँ पे आता है एस्टोनिया, ये बेसिकली एस्टोनिया वगैरह के बारे में आती है। देखिए एस्टोनिया अभी भी डार्क ब्लू कलर में, डार्क ब्लू कलर आखिर है क्या? यहाँ पे फर्टिलिटी रेट, याद रखिएगा फर्टिलिटी रेट का मतलब, फर्टिलिटी रेट का मतलब टोटल एवरेज नंबर ऑफ
चिल्ड्रन अ लेडी गिव्स बर्थ टू इन हर लाइफ टाइम। 1960 में आप देखिए ब्लू कलर थी कम, यहाँ पे आपको इधर सोनिया वाले रीजन में और तकरीबन ज्यादा जगहों पे ये डार्क रेड कलर या ऑरेंजिश कलर देखेगा। 1970 की आपको अचानक लगेगा कि जितने भी जिसको हम वेस्ट बोलते हैं या डेवलप्ड इकोनॉमीज बोलते हैं, चाहे वो यूरोप के रीजन में ज्यादातर, चाहे वो यूएस अमेरिका का रीजन, सेंट्रल अमेरिका को छोड़ दीजिए, इसमें आप देखिए अचानक डार्क ब्लैक कलर, ब्लू कलर आपको देखिएगा, ब्लू और डार्क ब्लू, कैसे यहाँ पे फर्टिलिटी रेट बिल्कुल ड्रॉप हो गए 2 या उससे। और आप देखिएगा 1978, 1970s में, लेट 1970s में चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी आई थी। देखते हैं चाइना भी यहाँ पे ग्रीन कलर में 4.5 से लेके 5 के आसपास या 4 से लेके 5 के बीच में, तो वन चाइल्ड पॉलिसी आई थी, तो यहाँ पे ड्रॉप दिखना चाहिए। देखते हैं दिखता है क्या। तो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर में आप देखिए लाइट ब्लू कलर में आपको दिख सकता है, तो यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट जो है ड्रॉप हुआ। अब आप देखते जाइएगा 1980 का दौर आ गया, 1990 देख सकते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी आप देख सकते हैं एकदम डार्क ब्लू कलर, और बाकी डेवलप्ड इकोनॉमीज तो डार्क ब्लू है। ये 2000 का दौर, और देखिए चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी के इम्प्लीकेशंस, ये वन चाइल्ड पॉलिसी यहाँ पे चल रही है, राइट। इसके बाद 2005, 2000, ये मैं वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है 2018, आप जब भी वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत सालों तक आपके लिए मतलब वैलिड तो रहने वाला है, क्योंकि हम लोग बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए बात करने वाले हैं। तो ये 2005 में इंडिया के लिए, 2005 इनफैक्ट अगर आप यूएन का एफपीए, जो यूएन एफपीए का जो प्रोग्राम है, जो यूएन ने अभी आउटकम दिया है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि 2005 इंडिया से, 2005 से इंडिया में फर्टिलिटी रेट में काफी गिरावट आई है, और देखिएगा इसके बाद कलर चेंज होना शुरू होता है क्या इंडिया के में। तो ये आगे देखिए स्लाइड ब्लू शुरू हो गया, करेक्ट है। तो 2005 के बाद से 2010 अभी जो है हमारे जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.3 के आसपास है, काफी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया हमारे देश में भी पिछले कुछ सालों में, 2005 से लेके दो ये अभी जो पिछले 5-7 साल है इसमें देखेंगे तो फर्टिलिटी रेट स्पेशली 2.3 ऑन एन एवरेज इंडिया में। देखिए ऑन एन एवरेज मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारे सदर्न पार्ट में तो लेस देन 2.1 है, ठीक है, लेकिन यूपी में, बिहार में अगर आप देखेंगे तो 3 से ज़्यादा है, तो इसलिए मैं आपको ऑन एन एवरेज कह रहा हूँ। तो आप देखेंगे तो हमारे केरला में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, सभी में लेस देन 2 है, लेस देन 2.1, और वेस्ट बंगाल में लेस देन 2.1 है। अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में, यूपी में, बिहार में, तो 3 से ज़्यादा, इसलिए ऑन एन एवरेज इंडिया में ऐसा है। अब इंडिया में ये कहा जा रहा है कि इंडिया, देखिए भारत अभी सेकेंड नंबर का पॉपुलेटेड कंट्री है, चाइना की पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन, ठीक है, और इंडिया की पॉपुलेशन है 1.38, ऑलमोस्ट 1.38 बिलियन, ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि हम लोग नेक्स्ट डेकेड के स्टार्टिंग में चाइना को पीछे कर देंगे। अब आप देखिए अगले 2 साल में, 2020 में क्या हो रहा है, इस दोनों कलर को आप गौर कीजिएगा, देखिए डार्क ब्लू हो गया, ये भी फर्दर डार्क हो गया, मतलब पॉपुलेशन इंडिया की, मतलब फर्टिलिटी रेट और ड्रॉप हुआ है। तो 2002 में, 2020 में ऐसा एक्सपेक्टेड है, कंसिडरिंग पूरी दुनिया में कहीं वॉर ना हो जाए, या फिर सिविल वॉर ना हो, चाहे गृह युद्ध ना हो, चाहे कैसा भी वॉर ना हो, कोई ऐसा ना हो, कोई बहुत बड़ी महामारी फैल जाए, तो उसके बारे में बात करें अगर बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखा जाए तो। फर्दर देखते हैं क्या होता है। अब अभी देखिए अफ्रीकन रीजन में देखिए कलर कैसे चेंज होना शुरू हो रहा है, ये लाइट ब्लू से डार्क ब्लू की तरफ मूव कर रहा और ग्रीनिश वगैरह सब चेंज होना शुरू हो रहा है कलर। देखिए 2040 में अगर बाकी चीजें कॉन्स्टेंट रहेंगी तो फर्टिलिटी रेट में सीवियर ड्रॉप आप देख सकते हैं अक्रॉस, ऑलमोस्ट अक्रॉस द ग्लोब, अफ्रीकन रीजन को छोड़ के, ये नाइजर को, चैड को, ये सब रीजन को छोड़ दीजिए आप, इवन अफगानिस्तान में भी देखिए आप, अफगानिस्तान जहाँ पे आज फर्टिलिटी रेट है 6, नाइजर में फर्टिलिटी रेट ऑलमोस्ट 7 है, चैड में ऑलमोस्ट 7 है, तो अफ्रीकन रीजन में 6 और 7 अभी आज के टाइम पे फर्टिलिटी रेट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2050, देखिए 2050 आज पृथ्वी की जो आबादी, आज अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ऑलमोस्ट 7 बिलियन के आसपास, ऐसा कहा जाता है। इस रेट से अगर आबादी बढ़ेगी तो 2050 में पृथ्वी की आबादी 10 बिलियन से ज्यादा हो जाएगी, पता नहीं क्या होगा तब तो, फिर कैरिंग कैपेसिटी से भी ज्यादा हो जाएगी। तो फर्टिलिटी रेट को पॉपुलेशन से कंसिडर कंपेयर मत कीजिएगा। देखिए फर्टिलिटी रेट सिर्फ ये बता रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ बर्थ बता रहा है, जो एक वुमेन दे रही है, वुमेन का कर रही है अपने लाइफ टाइम में। तो पॉपुलेशन जैसे मान लीजिए किसी किसी जगह पे, एक्स जगह पे 100 बर्थ होते हैं, अगले बार 80 बर्थ्स हुए, लेकिन फिर भी वहाँ पे ओवरऑल पॉपुलेशन कॉन्स्टेंट रह सकती है क्या? हाँ रह सकती है, अगर 20 लोग माइग्रेट करके आ गए तो, करेक्ट पॉइंट है ना। तो ना ज्योग्राफिकली बहुत वेरिएशंस आ रहे हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। अगर इसी रेट अगर आगे बढ़ते गए तो देखिए 2060
और ज़्यादा ये अफ्रीकन रीजन में ब्लू होना शुरू हो गया, 2070, 2080 एंड 2090 में तकरीबन पूरी दुनिया आप देख सकते हैं फर्टिलिटी रेट में सिग्निफिकेंट ड्रॉप, राइट। ये बहुत ही ब्यूटीफुली दिया गया था, ये मैप्स मैंने सारे के सारे लिए विकिपीडिया से, तो आप चाहे तो वो देख सकते हैं। अब आप आइए असली मुद्दे की चीज़ पे, फर्टिलिटी रेट होता है, ये मैंने आपको बता दिया, फर्टिलिटी रेट या TFR, FR, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमेन गिव्स बर्थ टू इन हर लाइफ टाइम। तो अपने लाइफ टाइम पे एक महिला जितने बेबीज को जन्म देती हैं, एवरेज एवरेज आप करेंगे टोटल नंबर ऑफ बर्थ टोटल नंबर ऑफ वुमेन से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, राइट। तो अभी पूरी दुनिया में ये देखा गया, वर्ल्ड वाइड ये देखा गया कि TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा गया है। तो फर्टिलिटी रेट में पूरी दुनिया में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा गया है। इससे दुनिया के बहुत सारे देशों में, एक्चुअली बहुत सारे देश कहने का मतलब डेवलप्ड कंट्रीज में बेबी बर्स्ट देखने को मिला है। अब आप मुझसे पूछेंगे सर मैं बेबी बूम तो जानता हूँ, बहुत ज़्यादा जन्म होने के कारण जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है उसको बेबी बूम बोलते हैं, सर ये बेबी बर्स्ट क्या है? देखिए बेबी बर्स्ट मैं आपको सरल सामान्य भाषा में बताता हूँ, बेबी बर्स्ट मतलब होता है इनसफिशियंट नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू मेंटेन द करंट साइज ऑफ द पॉपुलेशन। तो अभी जैसे मान लो किसी भी जगह पे अगर 100 लोग, ठीक है, तो अभी इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में 100 लोग चाहिए ताकि इस साइज को मेंटेन रखा जा सके, लेकिन अगर 100 लोगों की जगह सिर्फ 80 लोगों का जन्म हो तो यहाँ पे बर्स्ट हो गया, यहाँ पे कंडीशंस ये हो गई कि लोग कम हो गए, नंबर ऑफ बर्थ्स कम हो गए, और यही चीज कहलाती है बेबी बर्स्ट, ठीक है। ये आपको बहुत सिग्निफिकेंटली दिखेगी स्पेशली डेवलप्ड इकोनॉमीज में, चाहे वो यूरोप में आप देखें, चाहे वो यूएस में देखें, इसके अलावा आप चाहे तो ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, जापान तो इसका मतलब एकदम रेलेवेंट एग्जाम्पल है, जापान की तो बात ही छोड़ दीजिए, साउथ कोरिया उस डायरेक्शन में, इनफैक्ट अपना नेबर्स आर नॉट हाई, सो फर्टिलिटी रेट्स आर नॉट हाई इनफ टू मेंटेन करंट पॉपुलेशन लेवल्स इन नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज। दुनिया में तकरीबन 200 देश हैं, 200 का आप आधा करेंगे तो होता है 100। वैसे ये लोग 100 देश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये लोग बात कर रहे हैं 91 देशों के बारे में। तो लैंसेट ने कहा दुनिया के 91 देश में, दैट इज तकरीबन हाफ ऑफ द कंट्रीज, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज में से, तो 91 कंट्रीज में जो फर्टिलिटी रेट है वो इतनी कम है कि वो करंट पॉपुलेशन को मेंटेन नहीं रख सकती, मतलब आपको पॉपुलेशन में श्रिंक देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। इन जनरल दुनिया में फर्टिलिटी रेट 1950 के मुकाबले हर जगह इररेस्पेक्टिव ऑफ द ज्योग्राफी डिक्रीज हुई है, उसमें डिक्लाइन आया है, और इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा तैयार हो जाइए ऐसे विश्व को इमेजिन करने के लिए, ऐसे विश्व को देखने के लिए जहां आपको मिलेंगे मोर ग्रैंड पेरेंट्स देन एंड चिल्ड्रन, राइट। चलिए एक बार फिर से ये मैं काफी बार रखा ताकि और आपको अच्छी क्लैरिटी है, ये रहा 1950। अभी 1950 को देख सकते हो दुनिया में ज्यादातर जगहों पे फर्टिलिटी रेट कितने हाई है, ये कलर आप देखिए रेड से लेके येलोइश कलर, मतलब या तो 5 से लेके 8 के बीच में, और ग्रेजुअली ऐसा कहा जा रहा है कि 2000 बाकी चीजें कांस्टेंट रहेंगी। देखिए दुनिया के ज्यादातर हिस्से यहाँ पे आ गए फर्टिलिटी रेट 1 से 2 के बीच में, और अगर ये चीज और आगे चली गई तो 2.1 से भी नीचे आ जाएगा। अभी के लिए थोड़ा सा बात बोल देता हूँ, फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम आना, रिप्लेसमेंट लेवल बोलते हैं, रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से नीचे आना अच्छा ही बात नहीं है, 2.1 से नीचे आएगा तो जो आने वाली जनरेशन है वो पिछली जनरेशन को रिप्लेस नहीं कर पाएगी और इस तरह से पॉपुलेशन श्रिंक कर जाएगी। तो इस 2.1 के नंबर को बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हमारे देश में महंगाई दर होनी चाहिए कैसे, RBI बोलती है टारगेटिंग इन्फ्लेशन 4%± 2%, तो 4%-2% हो गया 2%, 4%+2% हो गया 6%, मतलब अगर हमारे देश में महंगाई 2% से 6% के बीच में तब तो ठीक है, ज़्यादा हाय तौबा नहीं होती, लेकिन 6% क्रॉस करते तो हाय तौबा मच जाती है। किसी भी देश के बारे में बोला जाता है कि उसका जो माइग्रेट करने वाली आबादी वो 4% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल आबादी के, वरना बहुत खराब बात है उस देश के लिए, करेक्ट है। इस तरह से फर्टिलिटी रेट 2.1 के लेवल से ज़्यादा नहीं, कम नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है, अदरवाइज पॉपुलेशन बहुत सीवियरली डिक्लाइन करने लग जाती है, ठीक है। अभी जो रिपोर्ट आई उसमें एक आश्चर्यचकित कर देने वाला खुलासा था, और वो खुलासा क्या था, एक आश्चर्यजनक खुलासा, अब वो देखिए क्या था इन रिपोर्ट्स में, क्या ऐसी बात हुई। तो सबसे पहली बात, दुनिया के सारे रिसर्चर स्तब्ध रह गए इस चीज को देख के कि इतनी बुरी तरह से कैसे फर्टिलिटी रेट में ग्लोबल डिक्लाइन कैसे आ रहा है। फर्टिलिटी रेट मैंने आपको बताया, फर्टिलिटी रेट में डिक्लाइन की वजह से
दुनिया के तकरीबन 91 कंट्रीज़ में, दुनिया के जो स्पेशली जो कंट्रीज इनको हम बोलते हैं, वहाँ पे बेबी बर्थ देखने को मिल रहा है। बेबी बर्थ मतलब है कि सरल भाषा में नए आने वाले ऑफस्प्रिंग्स का तादाद में इतना ना होना कि वो करंट पॉपुलेशन को मेंटेन कर सके, करंट लोगों को रिप्लेस कर सके, या सरल भाषा में और बेहतरीन हम कर सकते हैं, फर्टिलिटी रेट का 2.1 से कम होना, दैट लीड्स टू बेबी बर्स्ट। ठीक है, इनफैक्ट लैंसेट के हिसाब से दुनिया के 91 कंट्रीज में देखने को मिला, और यूके में तो फर्टिलिटी रेट बाकी चीज़ें छोड़िए 2 से भी कम है। इसका इससे तो ये तय हो गया कि पॉपुलेशन का श्रिंक होना तो तय है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आप बोलेंगे सर वहाँ पे लोग माइग्रेट करके आ जाए, तो इंडिजिनस पॉपुलेशन का ठीक है स्टेटमेंट, तो लोकल पॉपुलेशन तो श्रिंक तय रहा। तो ये हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी देखा था 1950, और ये फिर हम लोगों ने कहा 2020। ठीक है चलिए, तो दुनिया के सारे रिसर्चर भी स्तब्ध रह गए इस बात को देख के, और उन्होंने भी कहा कि आने वाले वक्त में तैयार हो जाइए मोर ग्रैंड पेरेंट्स देन ग्रैंड चिल्ड्रन वाली सोसाइटी को देखने के लिए। तो आने वाले वक्त में बहुत सारे सोशल फैब्रिक्स चेंज होने वाले हैं, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस के लिए तैयार हो जाइए। अगर जैसे जो आप से काफ़ी सारे ऐसे भी लोग होंगे जो स्टॉक मार्केट को कंटिन्यूसली चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, लॉन्ग टर्म होंगे जो इन्वेस्टर्स कहते हैं जिनको हम, या शॉर्ट टर्म अगर आप देखते हैं तो जिनको हम ट्रेडर्स कहते हैं, तो ट्रेडर्स या सीएनबीसी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बार बोलते हैं ट्रेंड इज फ्रेंड। तो उसी तरह से जब 1950 से ट्रेंड को देखा गया तो पाया गया एक जनरल ट्रेंड ये है कि दुनिया के हर देश में फर्टिलिटी रेट 1950 से 2017 में डिक्रीज ही हुआ, मतलब डिक्लाइन ही हुआ है, गिरा ही है नीचे। 1950 में जहाँ एक तरफ एवरेज, मैं फिर से बोलता हूँ एवरेज, क्योंकि दुनिया में 1950 में एक तरफ ऐसा भी था कि 8 का बर्थ फर्टिलिटी रेट है, कुछ तरफ ऐसा था कि 2.5, एस्टोनिया में तो 1960 में ही 2 टच कर गए थे वो लोग। तो 1950 में जहाँ पे एक तरफ एवरेज फर्टिलिटी रेट दुनिया में 4.7 था, वो आज फर्दर गिर के 2.4 रह गया है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं 1950 का एक ग्राफ, ये काफ़ी बार मैंने आपको दिखा दिया, और आप चाहें तो ये देख सकते हो 2020 का ग्राफ। ठीक है चलिए, जैसे मैंने आपको बताया फर्टिलिटी रेट आज के समय पे दुनिया में, देखिए सिंपल सी भाषा, फर्टिलिटी रेट कहाँ ज़्यादा है, तो फर्टिलिटी रेट ज़्यादा जो है वो एशियन रीजन में, चाहे आप उसको साउथ एशिया बोलिए, चाहे साउथ ईस्ट एशिया बोलिए, ईस्ट एशिया, और दूसरा अफ्रीकन रीजन। अफ्रीकन रीजन में नाइजर में आप देखेंगे तो फर्टिलिटी रेट ऑलमोस्ट 7 है। साइप्रस, ध्यान रखिएगा साइप्रस पे लगा दिए सिंगल स्टार, साइप्रस में आज की तारीख में फर्टिलिटी रेट दुनिया में सबसे कम है, किसी कंपिटेटिव एग्जाम में आया और आंसर मार दीजिएगा साइप्रस। तो अगर पहला ऑप्शन है साइप्रस, दूसरा ऑप्शन है ताइवान, तीसरा ऑप्शन है बोथ, चौथा ऑप्शन कोई भी नाइजर दे दिया, पांचवा ऑप्शन दिया साइप्रस एंड ताइवान बोथ, तो सिर्फ साइप्रस नहीं मारना भाई, साइप्रस और ताइवान दोनों, दोनों में फर्टिलिटी रेट जो है वो 1.1 ही है, तो 1 चाइल्ड ऑन एन एवरेज। यूके में फर्टिलिटी रेट ऑलमोस्ट है 1.7, ये भी काफी कम है। मैंने आपको बोला थोड़ी देर पहले रिप्लेसमेंट लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण है, दुनिया के जिन देशों में फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम है बहुत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि इवेंचुअली उनकी पॉपुलेशन डेफिनेटली श्रिंक कर जाएगी, इंडिजिनस पॉपुलेशन तो श्रिंक कर जाएगी। या हम लोग इसलिए बार बार स्टेटमेंट बोलते हैं कंसिडरिंग कि माइग्रेशन को मैं हटा दूँ तो पॉपुलेशन श्रिंक कर जाएगी। सो IHME इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्युएशन, इसको मैं बाद में IHME मैंने लिखा हुआ और मैं इसी नाम से बोलूंगा IHME, उनके प्रोफेसर क्रिस्टोफर मरिस आपका कहना है, दिस इज व्हाट ही सेड, वी हैव रीच दिस वाटरशेड, वाटरशेड का मतलब क्रिटिकल कंडीशन, वेयर हाफ ऑफ द कंट्री हैव फर्टिलिटी रेट्स बिलो रिप्लेसमेंट लेवल। यही वो रिप्लेसमेंट लेवल है 2.1 का। सो हाफ ऑफ द कंट्रीज, ये 91 कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज जो एकदम डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कैनेडा, उस तरह की कंट्रीज। सो इफ नथिंग हैपेंस टू द पॉपुलेशन विल डिक्लाइन इन दोज कंट्रीज, इट्स अ रिमार्केबल ट्रांजिशन, इट्स अ सरप्राइज इवन टू पीपल लाइक माई सेल्फ, द आइडिया दैट इट्स हाफ ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड विल बी अ ह्यूज सरप्राइज टू पीपल। फर्टिलिटी रेट इन देशों में अभी आप देखेंगे तो ग्लोबल एवरेज से भी कम है, किन देशों में, डेवलप्ड इकोनॉमीज में, चाहे वो ज़्यादातर यूरोप की कंट्रीज हो, यूएस की हो, साउथ कोरिया हो, साउथ कोरिया तो बस उस रास्ते में है ही, अगर आप देखेंगे तो जापान भी वैसे इसी में ही आता है, उसमें तो 1.5 से भी कम है, ऑस्ट्रेलिया भी है, तो ये सारे कंट्रीज में आते हैं। देखिए मैंने आपको फिर से मैं आपको बोलता हूँ फर्टिलिटी रेट कम होने का मतलब बिल्कुल ये मत सोचेगा कि इन देशों की आबादी कम है, आबादी गिर रही है, लिविंग जो वहाँ पे इंडिजिनस पॉपुलेशन जो लोकल पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, ये बात तय रहा, लेकिन टोटल पॉपुलेशन बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, फर्टिलिटी रेट पे, डेथ रेट पे, माइग्रेशन पे, वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलमोस्ट सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज में, कुछ एक को छोड़कर ऑस्ट्रिया वगैरह को छोड़ देंगे अगर आप,
ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि माइग्रेशन का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट तो देखा नहीं गया, बाकी मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज में आप देखेंगे माइग्रेशन बहुत इम्पैक्टफुल है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है। तो पॉपुलेशन तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, फर्टिलिटी, डेथ रेट। सर डेथ रेट क्यों? देखिए पिछले 70 सालों में आबादी दुनिया की बिलियंस में बढ़ी है ना, मतलब बिलियन में बढ़ी है, एक्चुअली मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग बढ़े हैं। और इसके अलावा लोगों की लॉन्जिविटी, लोग जितने साल जिंदा रहते, चाहे मेन उनका भी तकरीबन 20 साल करीब बढ़ा है, वेमेन उनका भी तकरीबन 20 साल करीब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ी है, तो इसलिए डेथ रेट में कमी आई है। दूसरे दुनिया भर में मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ी हैं, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ा है, तो बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी हुई है। प्रोफेसर मरे साहब ने एक और चीज़ कही, विल सून बी ट्रांजिशनिंग टू अ पॉइंट वेयर सोसाइटीज आर ग्रैपलिंग विथ अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो तैयार हो जाइए सोशल फैब्रिक में चेंजेस के लिए, तैयार हो जाइए एक नई तरह की दुनिया को देखने के लिए। हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स नेशन आर स्टिल प्रोड्यूसिंग इनफ चिल्ड्रेन टू ग्रो, बट एज मोर कंट्रीज एडवांस इकोनॉमिकली मोर विल लो लो हैव लोअर फर्टिलिटी रेट्स। तो दुनिया के बहुत सारे देश, ये बहुत सारे देश मेनली एशियन रीजन आते हैं और अफ्रीकन रीजन आते हैं जहाँ पे इनफ बच्चों की पैदाइश हो रही है। लेकिन अल्टीमेटली जैसे जैसे दुनिया के हर देश देखा गया कि जैसे जैसे इकोनॉमिकली एडवांस हो रहे हैं, जैसे जैसे कंट्री के लोगों का परचेजिंग पावर पहले से बेटर हो रहा है, जैसे जैसे शिक्षा उस देश में आ रही है, हेल्थ फैसिलिटीज पहले से बेटर हो रही है, तो अपने आप देखा जा रहा है फर्टिलिटी रेट में गिरावट आ रही है। जरा ये देखिए 2020 जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था, और ये देखिए 2030, 2030 आप सिर्फ ये देखिए ये जो ब्लू कलर, डार्क ब्लू लाइट ब्लू कितना देखिए बढ़ते चले गए, 2020 था, 2030, 2040, अब बस ये देखिएगा कैसे ब्लू कलर पूरी दुनिया को देखिए कैप्चर करता चला जाएगा, 2060, 2070, 2080 और ये रहा 2090, करेक्ट है। तो ये देखा गया जैसे जैसे कंट्रीज इकोनॉमिकली बेटर ऑफ होती चली जा रही हैं, वैसे वैसे फर्टिलिटी रेट में गिरावट आती चली जा रही है। आप मुझे पूछेंगे सर फर्टिलिटी रेट गिर क्यों रहा है? अगर मैं किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन, मान लेते कोई भी एक लोकेशन है, उस लोकेशन का नाम है ए, अगर मैं आपसे बोलूँ इस रीजन में फर्टिलिटी रेट कम हुआ है, तो सबसे पहले एक नॉर्मल इंसान कैसे सोचेगा, हम कोई भी कैसे सोचेंगे कि सर ऐसा तो कुछ नहीं कि उस जगह पर, उस लोकेशन में, उस जोग्राफिकल रीजन में जितना भी साइज होगा उसका, वहाँ पर स्पर्म काउंट्स कम हुए लोगों में, तो अगर स्पर्म काउंट्स कम हुए हैं तो भी बिल्कुल फर्टिलिटी रेट में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये रीज़न नहीं है। अभी जो स्टडीज में जो बात निकल के आई है वो मुख्य रूप से हो सकता है ये भी एक रीज़न हो, लेकिन जो प्राइमरली रीज़न वो 3 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न जो देखा गया वो ये है, इन्फेंट मॉर्टैलिटी में, मतलब फ्यूअर डेथ्स इन चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड में डेथ्स की संख्या जो बहुत ही कम हुई है, जिस रेट से दुनिया में डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिस रेट से हेल्थ केयर फैसिलिटीज लोगों तक पहुंच रही है, जिस रेट से खुद लोग पहले से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, इकोनॉमीज अच्छा कर रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का अवेलेबिलिटी एंड लोगों का उसको यूज करना, ये पिछले कुछ समय बढ़ा है। लेकिन सारे स्टडीज ने ये कहा कि जो सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है फर्टिलिटी रेट में ड्रॉप का, वो रहा है नारी सशक्तिकरण, वेमेन एम्पावरमेंट, वेमेन एडुकेशन एंड वेमेन का सेल्फ डिपेंडेंट होना सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है। और फर्टिलिटी रेट का कम होना सक्सेस स्टोरी है। सक्सेस स्टोरी किन के लिए होगी अब आप बताइए, या बेबी बर्स्ट अगर सक्सेस स्टोरी में बोलूँ तो किसके लिए होगी? अफ्रीकन रीजन्स के लिए, एशियन रीजन के लिए, वो देश जो डेवलपिंग कंट्री जो भयंकर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से जूझ रहे थे। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ पाएंगे कि डेवलपिंग नेशन मतलब बेबी बूम की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, और जो रिच कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, दे आर गोइंग थ्रू अनदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम, दैट इज बेबी बर्स्ट, राइट। हालांकि दुनिया के अलग अलग देशों की जब स्टडी की गई तो ये पाया गया, बहुत सारी चीज़ों की स्टडी की गई, बर्थ, डेथ, डिजीज रेट, तो पाया गया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बीमारी और डेथ कॉज करने वाला जो कारण है वो आज के वक्त पे है, डेथ कॉज करने वाला जो कारण है वो है हार्ट डिजीजेस। तो आईएचएमई की जो रिपोर्ट है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्यूएशन की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया की आबादी बढ़ी ने स्काई रॉकेट की एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है। 1950 में जहां एक तरफ दुनिया की आबादी थी 2.6 बिलियन, वो आज बढ़ के हो गई 7.6 बिलियन, और 2050 में एक्सपेक्टेड है कि 10 बिलियन से ज्यादा हो जाएगी अगर कुछ एकदम भयंकर नहीं हो जाता है। तो भयंकर मतलब वॉर और नहीं हो गया, सिविल स्ट्राइफ, सिविल अनरेस्ट नहीं हो गया इतना, दुनिया में महामारी भगवान ना करे ऐसा कुछ फैले, तो ऐसा। हालांकि ये ग्रोथ बहुत ही अनईवन है, मेरे ख्याल अब आप इसका मतलब समझ गए होंगे। अनईवन का मतलब ऐसे रीजन, ज्योग्राफिकल रीजन या ऐसे देश जिनका इनकम बहुत हाई है, जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, चाहे इसमें यूएस को ले लीजिए, यूरोपियन कंट्रीज को ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए, साउथ कोरिया को ले लीजिए, जापान को ले लीजिए, कोई भी कंट्री ले लीजिए, वहाँ पे फर्टिलिटी रेट में
सिग्निफिकेंट डिक्रीमेंट आया है, डिक्लाइन आया है. ऑन द कॉन्ट्ररी, ऐसे कंट्रीज जहां पे यही चीजें नहीं अवेलेबल है, वहां पे देखा गया कि ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ काफी मतलब तेज है, जिसको हम लोगों ने बोला बेबी बूम, राइट. सो आईएचएमई की जो स्टडी है उसने बताया कि ये जो 91 कंट्रीज हैं, ये लोग दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ चिल्ड्रेन ताकि उनकी जो जो करंट पॉपुलेशन है दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ. ऑन द कॉन्ट्ररी, एशियन अफ्रीकन रीजन में फर्टिलिटी रेट काफी ज्यादा है. जैसे कि अभी तो सबसे ज्यादा अफ्रीकन रीजन है नाइजर. नाइजर में अगर आप देखेंगे तो ये आपका आ गया अफ्रीका, अफ्रीका में हो गया नाइजर, जिसमें फर्टिलिटी रेट जैसे मैंने आपको बताया था 7 के आसपास है. हालांकि चैड, चैड में 6 है, माले में 6 है. तो अफ्रीकन रीजन में आपको मैंने थोड़ी देर पहले मैप वगैरह में दिखाया था, आपको इस तरह से नंबर दिखेंगे, 5 से ऊपर ही दिखेंगे नंबर्स. और ऐसा कहा गया है कि जितने भी जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर नंबर कम होने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है वुमेन एडुकेशन, महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट. क्या हो रहा है कि ये देखा गया कि द मोर अ वुमेन इज एडुकेटेड, शी इज स्पेंडिंग मोर ईयर्स इन स्कूल, शी इज डिलेइंग हर प्रेगनेंसी एंड हेंस दे हैव लेस फ्यूअर बेबीज. तो ये चीज बहुत ही एविडेंटली देखी गई है. साइप्रस में देखा गया कि सबसे कम है फर्टिलिटी रेट पृथ्वी में, और वो है 1 ऑन एन एवरेज 1. जैसे ये रहा भारत, तो अब भारत से जाएंगे इधर, इस तरफ जाएंगे टर्की, हो गया सीरिया, लेबनान वगैरह सब आएंगे यहाँ पे. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है ये मेडिटेरेनियन सी. मेडिटेरेनियन सी के ठीक जिधर मैंने एरो बनाया, इधर आप देखेंगे छोटा सा आइलैंड नेशन है, इसका नाम है साइप्रस. ये टर्की, ये रहा मेडिटेरेनियन सी, और ये रहा साइप्रस. ठीक है, तो साइप्रस में देखा गया फर्टिलिटी रेट जो है वो 1, जो कि सबसे कम है. ठीक है, ये रहा अफगानिस्तान, यहाँ तो खैर 6 के आसपास है. इस रीजन में, डेवलपिंग रीजन में 5 to 6 आपको मिलेगा मिलेगा. ये मैं थोड़ी देर पहले मैंने कहा भी था, माली, चैड, अफगानिस्तान, इन जगहों पे फर्टिलिटी रेट 6 के आसपास है. तो ये रहा चैड जहाँ पे 6 है, नाइजर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला हाईएस्ट है 7, माली यहाँ पे आपको मैंने बोला 6 के आसपास है, अफगानिस्तान अपने से जस्ट बाजू में, ये हम इंडिया, अफगानिस्तान में आप देखेंगे 6 के आसपास है. इंडिया में पिछले कुछ समय में कम होकर 2.3 हुआ है, अभी पिछले 5-7 सालों में. ठीक है, ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, इन जनरल ऐसे 2.3 नहीं है, ये रहा अफगानिस्तान. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया 2050 तक ऐसा एक्सपेक्टेड है कि पृथ्वी की जो आबादी है वो 10 बिलियन क्रॉस कर जाएगी. अभी 7 बिलियन से थोड़ी ऊपर है, तो अभी ये हालत है, 10 बिलियन से ऊपर पता नहीं क्या होगा. 10 बिलियन, अरे कैरिंग कैपेसिटी 7 बिलियन के आसपास है यार, तो ये तो भयंकर ओवर पॉपुलेशन की स्थिति क्रिएट होने वाली है. देखते हैं क्या होता है. एक लाइट नोट पे मैंने फिगर डाला हुआ था यहाँ पे कि अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी से भी ज्यादा आबादी होने वाली है. ये रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस, UNFPA की रिपोर्ट है, UNFPA इनकी रिपोर्ट है, FPA. कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा UNFPA का फुल फॉर्म क्या है. ठीक है, UNFPA का फुल फॉर्म क्या है, मैंने यहाँ पे सिर्फ UN लिखा है लेकिन एक्चुअली ये है. सो IHME जो है उन्होंने कहा कि एशिया और अफ्रीकन रीजन में आबादी कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाएगी, अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसा वॉर ना हो जाए, या सिविल स्ट्राइफल ना हो जाए, या सिविल अनरेस्ट क्रिएट ना हो जाए. हाँ, ये बात तय है, जैसे जैसे इकोनॉमिकली बेटर होते चले जाएंगे उतना फर्टिलिटी रेट में डिक्लाइन जरूर आएगा. जैसे मैंने आपको बोला पिछले 70 सालों में पूरी दुनिया में देखा गया कि आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन साथ में ये भी देखा गया है कि लोग और ज्यादा लंबे समय तक के जी रहे हैं, मतलब लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है. जो मेन है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन एन एवरेज पूरी दुनिया में 48 से 71 हो गई है, और जो वुमेन है इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तकरीबन 76 के आसपास हो गई है, राइट. तो लॉन्ग मतलब ज्यादा लंबे समय तक जीना, ये भी उस देश के लिए या सोसाइटी के लिए थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है. देखिए, इन सभी जगहों पे आज से कुछ साल के बाद हम रहेंगे, ठीक है, तो इसको आप ऐसे सामान्य रूप से समझते जाइएगा. व्हेन वी लिव लॉन्गर एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज आवर हेल्थ डिटोरियरेट्स, मोर हेल्थ प्रॉब्लम कम्स. और होता क्या है कि जैसे जैसे हम उस एज में पहुंचते चले जाएंगे तो हम एक कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए उतना प्रोडक्टिव नहीं रहते. एक्सपीरियंसेस है, एक अलग बात है, मेरे कहने का मतलब प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब मेरा मॉनिटरी टर्म्स में, ठीक है. तो इस तरह से बर्ड हेल्थ केयर सिस्टम में क्या होता है, बर्डन बढ़ने लग जाता है, राइट. जैसे कि 1990s में देखा गया था कि नियोनेटल डिसऑर्डर्स, लंग कैंसर, डायरिया, इन कारणों से देहांत जो होते थे सबसे बड़े किलर होते लोग. लेकिन धीरे धीरे ये देखा गया कि जितने भी इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं आज के टाइम पे, जो भी इन्फेक्शियस डिजीज है उनसे जो मरने वाले लोगों की संख्या है वो रिच कंट्रीज में कम है बजाय डेवलपिंग कंट्रीज के. आज के टाइम पे ये देखा गया, कई बिहेवियरल शिफ्ट आ गए हमें, क्योंकि
आज के समय पे हम लोग भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, काम करते हैं और ज़्यादा लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आ गए हैं। तो आजकल कार्डियो वेस्कुलर डिजीज़, मतलब इसको जैसे हार्ट से रिलेटेड डिजीज़, कैंसर वगैरह सब बहुत कॉमन है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ओबेसिटी भी है, और इसका हमारा जो बिहेवियरल चेंज आया है ये इसका बहुत प्राइम कारण भी है। देखिए आपसे एक बीबीसी के एक बहुत सुंदर सा ग्राफ शेयर करता हूँ, आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो ये वैसे तो बीबीसी का है, फर्टिलिटी रेट के ऊपर है, वेयर वेमेन आर हैविंग फ्यूएस्ट चिल्ड्रन, एवरेज फर्टिलिटी रेट 10 कंट्रीज के टॉप के 2017 में। आप देख सकते हैं ये रहा साइप्रस, और पीआरसी होता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअल चाइना है, ये मैं आरसी की बात कर रहा हूँ, रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसका मतलब है ताइवान। ताइवान में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे वन ही है, राइट। ये रहा फिर साउथ कोरिया, एंडोरा, प्यूरोटोरिको, थाईलैंड, और इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे तो आ गया जापान जो हो गया 1.3, ठीक है। आपको ये लग रहा होगा कि सर अगर क्या ही हो जाएगा अगर डिक्लाइन हो जाए, तो एक काम करते हैं इस डिक्लाइन का इम्पैक्ट समझ लेते हैं कि क्या होगा भाई। द इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स क्या है? देखिए अगर मैं माइग्रेशन को ना नल एंड वॉइड कर दूं, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज से, तब तो बहुत बुरी तरह से डेवलप्ड कंट्रीज में पॉपुलेशन श्रिंक होते हुए दिखेगी, और एट द सेम टाइम बेटर कंडीशंस की वजह से, जैसे मैंने आपको बोला लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की बढ़ी है तो एज होते हुए दिखेगी। मतलब अगर मैं माइग्रेशन को नल एंड वॉइड कर दूं तो आपको बहुत एजिंग पॉपुलेशन दिखेगी, एज वेल एज श्रिंक होती हुई पॉपुलेशन दिखेगी। श्रिंक होते हुए यंग पॉपुलेशन, एज होते हुए ओल्ड पॉपुलेशन आपको दिखेगी। देखिए डेमोग्राफी जो है, इस रिपोर्ट में जो क्लाइन लिखी गई थी काफ़ी मुझे अच्छी लगी, डेमोग्राफी इम्पैक्ट्स ऑन एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, इसको डाउट ही नहीं है। आने वाले वक्त में हम अलग अलग चेंजेस देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे वर्क प्लेस में बहुत ही मल्टी कल्चर्ड लोग देखेंगे, हम जिस भी देश में रहते होंगे अगर वहाँ पे माइग्रेशन बहुत ही रेडिली होता है, फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है, तो इस तरह की चीज़ें। दूसरी बात, हो सकता है रिटायरमेंट एज में सरकार के कुछ चेंजेस आने जाए कि आप इस एज में 60 नहीं 62, 62 नहीं 65, 65 नहीं 68 में रिटायर होंगे। इस तरह से हमारे देश में एक फंड भी, सुना है एनपीएस बोलते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम, जो आपको रिटायर होने के बाद एक पेंशन प्रोवाइड करती है। तो हो सकता है उस तरह की चीज़ों में भी चेंजेस हैं। आप देखा होगा कि रशिया में चेंज हुआ, 2 साल बढ़ा दिया गया, तो कितना प्रोटेस्ट किया गया था लोगों ने। तो इस तरह से आने वाले वक्त बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अफेक्टेड कंट्रीज, जितने भी अफेक्टेड कंट्रीज हैं, मतलब जहां फर्टिलिटी रेट मेनली 2.1 अफेक्टेड कंट्रीज करेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ या तो माइग्रेशन बढ़े, तो माइग्रेशन तो हम देख सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन अगर आप ये सोचो, अगर इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए, तो आप क्या सोचेंगे कि नहीं यार फर्टिलिटी बढ़ना चाहिए, फर्टिलिटी बढ़ना इज ऑलवेज गुड, मैं कितना माइग्रेशन के लिए लॉस को ढीला करूं, क्योंकि आज के टाइम पे पूरी दुनिया में एक भय भी है और वो है ग्लोबल टेररिज्म का। तो कहीं ना कहीं तो दुनिया के सारे देश के दिमाग में ये है ही। तो अगर मैं आप हर एक देश आता हुआ कि यार इससे अच्छा फर्टिलिटी रेट बढ़े, दुनिया में एक देश है जिसका नाम है फ्रांस, जिसने बहुत सारे चेंजेस ऐसा करना शुरू किए हैं जिससे फर्टिलिटी रेट्स उस कंट्री में इंप्रूव हो, लोगों के लिए वर्क लाइफ और ये वर्क लाइफ को बैलेंस करने बोला, वर्क लाइफ और जो उनकी लाइफ है उसको बैलेंस करने बोला है। दूसरी चीज़, बहुत सारी सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं। दुनिया में आप देखेंगे बहुत सारे देशों में ऐसा होता है कि इफ़ यू हैव इफ यू इफ अ वुमेन गिव्स बर्थ टू अ बेबी तो उनको गिफ्ट वाउचर्स वगैरह बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं सरकार की तरफ से, नर्स भी भेजी जाती है उनका टेक केयर करने के लिए। तो ये बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है आजकल, तो मतलब बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में। दूसरी चीज़ है माइग्रेशन, लेकिन आप ये सोच के देखिए अगर आपके देश में माइग्रेशन भी कम हो जाए और फर्टिलिटी रेट भी कम हो जाए, तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी, अग्री करते हैं कि नहीं? और एक खतरनाक सिचुएशन से जो जूझ रहा है देश, उस देश का नाम है जापान। तो जापान में बहुत बुरी तरह से पॉपुलेशन एजिंग हो रही है, फर्टिलिटी रेट में डिक्रीमेंट आया, डिक्लाइन आया, तो बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा है जापान। इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। सो प्रोफेसर मरी साहब ने एक बात कही, ऑन करंट ट्रेंड देयर विल बी अ वेरी फ्यू चिल्ड्रन एंड लॉट्स ऑफ पीपल ओवर द एज ऑफ 65। मैंने आपको बोला ही, क्योंकि आप देखेंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की बढ़ी है, इसके कारण लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल अबव 65, फर्टिलिटी रेट में डिक्लाइन आया है। तो मैंने इससे कहा कि आप तैयार हो जाइए एक नए ग्लोबल सोसाइटी के लिए जिसमें आपको थोड़ा सा सोशल फैब्रिकेशन तो मिलेगा ही, सो थोड़ा सा सोसाइटी के फैब्रिक्स बदलेंगे जरूर। अभी मैंने आपको कहा थोड़ी देर पहले, जापान, जापान में देखिए ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि वेस्ट में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेस्ट की प्रॉब्लम को कम से कम पार्ट अभी थोड़ा कुछ वक्त के लिए जो चीज़ कवर करती है उस चीज़ का नाम है माइग्रेशन।
इसलिए मैंने आपको कहा ना कि ऐसा नहीं कि यूएस में, कनाडा में या मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज में ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है, बट वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मास माइग्रेशन भी होता है, पीपल मूव टू दिस कंट्रीज फॉर अ बेटर लाइफ। जापान में थोड़ी ये चीज़ कम देखने को मिलती है, जापान इज वेरी मच अवेयर ऑफ दिस, दे आर फेसिंग डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ग्राफ दिखाया था एवरेज फर्टिलिटी रेट, और मैंने आपको बताया था ये है जापान और ये है 1.3, ये बीबीसी का ही ग्राफ है। चाइना, आपको लगेगा कि सर चाइना तो दुनिया का नंबर वन पॉपुलेटेड कंट्री है, 1.4 बिलियन पीपल है। चाइना 1949 में जब बना, जब माओ माओ से तुंग ने हमला किया चांग का शक पे, और तब से लेके 1949 से लेके गजब का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ और आज ये 1.4 बिलियन हो गया है। लेकिन 1978 के आसपास, लेट 1970s में डेन जियाओपिंग ने जब वन चाइल्ड पॉलिसी को लेके आए, तो इस वन चाइल्ड पॉलिसी का इम्प्लीकेशन बहुत सीवियर देखने को मिला चाइना में। इनफैक्ट मैं आपको एक रियली एक बात बताऊँ, हालांकि चाइना एक कम्युनिस्ट राष्ट्र है तो ज़्यादा न्यूज़ तो वहाँ से बाहर आती नहीं है, लेकिन चाइना में अब तो ये वन चाइल्ड पॉलिसी को स्क्रैप ऑफ कर दिया गया, नाउ दिस पॉलिसी डू नॉट एग्जिस्ट। बट क्या हुआ था जब लेट 1970s में इस पॉलिसी को लाया गया था, देखिए अब तकरीबन 35 साल में ये पॉलिसी को स्क्रैप ऑफ किया गया ऑलमोस्ट, है ना। तो उस वक्त पे ऐसा कहा जाता है कि चाइना में बहुत सारे वीमेन बहुत वक्त तक वेट किया उन्होंने टू हैव अ सेकेंड बेबी, दे वॉन्टेड टू हैव अ सेकेंड बेबी बट सरकार अलाउ नहीं कर रही थी। तो अब फाइनली 35 साल, देखिए बहुत बड़ा टाइम होता है, इससे क्या होता है ना, लोगों की चीज़ों को देखने का, सोचने का नज़रिया बदल जाता है और वो फिर हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन जाता है। अब जब ये वन चाइल्ड पॉलिसी को स्क्रैप ऑफ कर दिया सरकार ने, नाउ वन सिंगल चाइल्ड हैज बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, एंड दैट इज वाई पीपल डोंट वॉन्ट टू हैव अ सेकेंड बेबी, जो भी रीजन है, बट दे डोंट वॉन्ट टू हैव अ सेकेंड बेबी। हालांकि इसका आपको मैं डार्क साइड दिखाता हूँ, चाइना में जब वन चाइल्ड पॉलिसी एग्जीक्यूट हुई थी तो मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा, और वो ये थी कि चाइना में फीमेल फिटिसाइड के बहुत केसेस हुए थे। जब एक ही बेबी करना है तो बहुत सारी फैमिलीज को लगा कि लेट्स अबॉर्ट अ चाइल्ड, तो बहुत सारी भ्रूण हत्याएं, फीमेल फिटिसाइड जिसको हम बोलते हैं, बच्चियों की ऐसा की गई थी। लेकिन एक और इसका मैं आपको दूसरा एंगल बताता हूँ, ये फीमेल फिटिसाइड हुआ था वो तो गलत है ही, खराब है ही, लेकिन बहुत सारे माता पिता ऐसे थे जिन्होंने अपने उसे एक बच्ची को जन्म लेने दिया, उसे बढ़िया से स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करवाया, और इसलिए आप देखेंगे चाइना में आपको बहुत सारे यंग फीमेल बिलनेस मिलेनियर्स और बिलेनियर्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको यंग फीमेल एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे, और इसलिए आप देखेंगे इस वन चाइल्ड का इम्प्लीकेशन भी बहुत खतरनाक आपको दिखेगा चाइना में। चाइना में देर फार मेनी मोर नंबर ऑफ मेन देन वेमेन, और आज के टाइम पे बहुत सारे मेन के पास दे डोंट हैव वेमेन टू गेट मैरिड टू, उस तरह के मेन को वहां पे बोल डेड ब्रांचेस ऑफ देयर फैमिलीज, सो दे आर डेड ब्रांचेस बिकॉज दे डोंट हैव एनी वेमेन टू कैरी फॉरवर्ड देयर, मतलब अपनी जनरेशन को, अपने पुश्त को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक है, आप मुझसे बोलेंगे कि सर इतनी सारी चीज़ों के बीच में भारत कहाँ पे है, तो चलिए देख लेते हैं भारत कहाँ पे खड़ा है। ये रहा हमारा खूबसूरत भारत, आप देख सकते हैं ये रहा फर्टिलिटी रेट का ग्राफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा 1.5, 2.5 और डार्क रेड, ब्लड रेड एकदम 3.5। आप देखिए हमारे सदर्न पार्ट में, चाहे वो केरला हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, चाहे कोई महाराष्ट्र भी हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्टिलिटी रेट इज ऑलमोस्ट 1.5 और 2.5 के आसपास मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इस रीजन में, इसके अलावा राजस्थान, गुजरात इस वाले रीजन में, आप देख सकते हैं 2.5 से 3 की तरफ अगर आप जाएंगे यूपी बिहार इस वाले रीजन में, तो 2.5 से 3 की तरफ मूव करेंगे, राइट। तो भारत में यूएन की रिपोर्ट, यूएनएफपीए की रिपोर्ट के हिसाब से, जिसको यूएन ने भी अप्रिशिएट किया, यूएन ने कहा इंडियंस आर प्लानिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप एक नई फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी बड़ी आप फैमिली अपनी स्टार्ट करें, सो प्लानिंग इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इंडियंस आर प्लानिंग देयर फैमिली इज बेटर एंड देर आर फ्यूअर अनवांटेड प्रेगनेंसीज, और तारीफ करते हुए यूएनएफपीए ने ये भी कहा कि इंडिया हैज नॉच्ड अप नंबर्स दैट आर वेरी रेयर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, सो इंडिया हैज डन ट्रिमेंडसली वेल। एक्चुअली इस यूएनएफपीए की रिपोर्ट में, जिसका टाइटल था द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2018, इसमें एक चीज देखी गई कि 2015 से लेकर 2020 में अभी फर्टिलिटी रेट काफी गिर के 2.3% के आसपास आ गई है। एक काम करते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ग्राफ दिखाया था, एक बार 1950 से थोड़ा देखते जरूर है, तो ये रहा 1950, भारत कौन से कलर में, येलो कलर, आप सिर्फ ये देखिएगा भारत को, येलो कलर मतलब ऑलमोस्ट 5। तो एक्चुअल में आपको बताऊं तो भारत में जो फर्टिलिटी रेशियो था, जो फर्टिलिटी रेट था, वो तकरीबन 5 के आसपास ही था, अब देखिए कैसे गिरना शुरू हुआ। ये हो गया अभी का समय, अभी से मतलब 1.5 साल आगे,
2020, तो ये कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 2.3 के आसपास। देखिए मैंने आपको बोला 2.1 डेंजरस साइन है, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये कंटिन्यू रहा तो 2050 में शायद हम लोग 2.1 से भी नीचे जाएंगे, राइट। तो ऐसा देखा गया कि हम देश में 1975 से लेकर 1980 में एवरेज हमारा जो फर्टिलिटी रेट था हमारे देश में वो था 5 के आसपास, जो कि अभी आधा रह गया गिर के 2.3 के आसपास जो लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से। यूएनएफपीए की रिपोर्ट ने जो बात कहा वो ये कहा कि ये तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जिस रेट से इंडिया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था तो बहुत ही क्रूशियल थिंग है जो हुआ, इसने इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया, बॉलस्टर किया, इट हैज गॉट वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट टू इट। ये इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे देश में हेल्थ, एडुकेशन, जॉब्स, ये सब पहले से काफी अब बेटर हुआ। रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ था, द मोस्ट अदर इन मोस्ट अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सच लो फर्टिलिटी इज अचीव्ड ओनली एट हायर इनकम लेवल्स, जो भारत में अचीव हुआ है। यूएनएफपीए की रिपोर्ट में स्पेशली कुछ स्टेट के बारे में, जैसे कि केरला के बारे में, तमिलनाडु के बारे में स्पेशल तारीफ किया गया। वहां पे ये कहा कि स्टेट्स, इंडिया के स्टेट्स जैसे कि केरला हो गया, तमिलनाडु हो गए, यहाँ पे देखा गया लेस जेंडर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और बहुत तेज अच्छा खासा ग्रोथ देखा गया। तो और ये रहा आपका केरला हो गया, ये हो गया तमिलनाडु, सिर्फ यहाँ पे नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिर्फ यहाँ पे नहीं, कर्नाटका में आप देखिए, आंध्र प्रदेश में आप देखिए, तेलंगाना में आप देखिए, मोर और लेस आप यहाँ महाराष्ट्र में देखिए, वेस्ट बंगाल में भी आप देखेंगे, तो जो फर्टिलिटी रेट है वो इनफैक्ट 2.1, 2.1 छोड़िए 2 से भी कम है, ठीक है। तो आप इन स्टेट्स में देखेंगे तो आपको ऐसा देखेगा, मैं आपको बताया केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, इन सभी स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो। हालांकि एफपीए ने एक और बात के लिए तारीफ किया कि इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान, टर्की, इन सभी जगहों पे इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में भी गिरावट आई है, क्योंकि हेल्थ कंडीशंस काफ़ी इंप्रूव हुई हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ा है, लोगों के जेब पैसे बढ़े हैं, पॉवर्टी से बहुत सारे लोग बाहर निकल के आए हैं, फीमेल्स को बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, इनका महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण को देखा गया इन इन जगहों पर, काफ़ी बढ़िया हुआ है सब कुछ। तो जैसे कि उन तारीफ किया गया इंडिया का बांग्लादेश के बारे में, इंडोनेशिया के बारे में, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ईरान, ईरान के बारे में, टर्की में देखा गया कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में गिरावट आई है। जो चीज़ यूएनएफपीए ने कहा वो ये भी कहा, इन इंडिया 2005 से लेकर 2015 अनवांटेड फर्टिलिटी बहुत शार्पली डिक्रीज हुआ है, विच इज ग्रेट टू सी, रिफ्लेक्टिंग अ ट्रेंड ऑफ कपल्स हैविंग द मीन्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स हैं, डिवाइसेज हैं, वो आसानी से अवेलेबल एंड पीपल आर रेडिली यूजिंग इट, विच इज अनदर ग्रेट साइन, एंड हैविंग द प्रेफर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब इट्स अ वेल प्लान्ड फैमिली, विच इज अनदर ग्रेट थिंग। सो मतलब एक सोच में भी बदलाव आया है भारत में, ये कहने का मतलब है। इंडिया में फर्टिलिटी रेट जो है वो अभी रिप्लेसमेंट लेवल के आसपास है, मैंने रिप्लेसमेंट लेवल आपको पहले बताया है, रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब द रेट नीडेड टू मेंटेन द पॉपुलेशन लेवल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मैंने आपको पहले ही बोला था माइग्रेशन को छोड़ दीजिए, तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला 2.1 से कम होना ठीक नहीं है। अभी इंडिया में पिछले कुछ साल में जो रेट है वो है ऑन एन एवरेज 2.3, ठीक है। तो ये रेट देखा गया फर्ड का, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था, यूपी में, बिहार, मध्य उत्तर प्रदेश में देखा गया कि फर्टिलिटी रेट 3 से ज्यादा, और हमारे सदर्न पार्ट में चाहे वो तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, इवन वेस्ट बंगाल वगैरह में देखा गया कि फर्टिलिटी जो है 3 से ज्यादा है। ये केरला हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे फर्टिलिटी रेशियो जो है वो 2 से भी कम है, और कुछ जगहों पर देखा गया जैसे कि यूपी में हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे देखा गया है कि फर्टिलिटी रेट जो है वो 3 से ज्यादा है। फाइन, यूएनएफपीए ने हालांकि एक बात और भी कही है, हालांकि हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आए हैं जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट और काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन एक और बात है कि हिंदुस्तान में चाइल्ड मैरिजेस अभी भी काफ़ी बड़ी तादाद में हो रही है। चाइल्ड मैरिजेस जैसे कि 2011 में देखा गया 21.5% इंडियन गर्ल्स की शादी हो गई, कब, जब वो 15 से 19 साल की थी। ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही खराब है, क्योंकि से एक महिला के पास चॉइस नहीं रह जाती, चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अ वुमेन इज द वन हु इज गोइंग टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, सो दैट शुड बी एंटायरली अ वुमेन्स चॉइस व्हेन शी इज फिजिकली एंड मेंटली रेडी टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। तो ये टोटली एक महिला पे का एक राइट होना चाहिए, दैट शुड बी सॉवरन राइट ऑफ अ वुमेन। व्हेन पीपल लैक चॉइस इट कैन हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी रेट, चाहे वो एकदम बढ़ जाए या घट जाए। इसलिए यूएनएफपीए ने पूरी दुनिया से ये कहा कि
मेक श्योर करें कि एक महिला को उनका रिप्रोडक्टिव राइट मिले, और इसके लिए आप अपनी तरफ से प्रावधान करें। कंट्री शुड प्रायोरिटाइज क्या करें, यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करें, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, कॉन्ट्रासेप्टिव जो लोगों को रेडिली प्रोवाइड करें और लोग एक्सेस कर पाएं, बेटर एडुकेशन दे लोगों को, एडुकेशन से आधी ज्यादा चीजें सॉल्व हो जाती हैं, और करेक्ट एज पे सेक्स एडुकेशन भी उन लोगों को दी जाए। आपको लगेगा सर दुनिया में ऐसा कोई देश है क्या जिससे इसको इस फर्टिलिटी रेट में गिरावट से या आबादी कम होने से बहुत पड़ा है? बिल्कुल है। जो देश इस पिंच को महसूस ऑलरेडी कर चुका है वो है जर्मनी, द पिंच ऑफ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी। 2015 में अगर आपको ध्यान होगा तो जर्मनी की एंजेला मर्कल जी, जब उन्होंने 1 मिलियन असाइलम सीकर्स को अपने देश में आने दिया था, तो उनको बहुत तारीफ हुई थी पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में कहा गया था कि एंजेला मर्कल जो है वो एम्पेथाइज करती हैं, लोगों की समस्याओं को समझती हैं। वो तो ठीक बात है, लेकिन एंजेला मर्कल को मेरे हिसाब से इस बात का भी ज्ञान है और ज्ञान था कि जिस रेट से जर्मनी की आबादी गिर रही है 2050 तक के, जो कहा जाता है कि इतना सीवियर डिक्लाइन है जर्मनी की पॉपुलेशन में, जर्मनी फेसेस वन ऑफ द स्टीपेस्ट पॉपुलेशन डिक्लाइन इन द मीडियम टर्म विद अ प्रोजेक्टेड लॉस ऑफ 12 मिलियन कब, 2050 तक। और ये सिर्फ जर्मनी की बात नहीं है, जर्मनी के अलावा यूरोप में भी आप देखेंगे, दिस पार्ट एंड पार्सल ऑफ यूरोप एज वेल, तो वहां पर भी फर्टिलिटी रेट बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रहा है। आप छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बोला था, एस्टोनिया में अगर आप देखेंगे तो 1960 में एस्टोनिया में एक ही ऐसा देश था पूरे यूरोपियन नेशन में जहां पे फर्टिलिटी रेट 2 से कम था। ये आप पहले समझ लीजिए, एस्टोनिया था, ये रहा भारत। अब भारत से यहाँ पे गए पोलैंड में, ये रहा यहाँ पे लिथुएनिया, लाथविया, और यहाँ पे एस्टोनिया आएगा। ओके, और शायद ये मैंने रखा हुआ है, ये रहा पोलैंड, ये रहा लिथुएनिया, ये रहा लातविया, और ये रहा बाल्टिक सी के पास, ये रहा एस्टोनिया। तो एस्टोनिया एकमात्र ऐसा देश था जहां पे फर्टिलिटी रेट 2 से कम था। अब आप एक और बात सोच के देखिए कि कहां, तो सिर्फ एक ऐसा देश था 1960 में, ये बात 1960 की है, ठीक है, 1960, और कहां, तो अब सिर्फ दो देश हैं जिन जहां पे फर्टिलिटी पूरे यूरोप में जहां पे फर्टिलिटी रेट 2 से ज्यादा है। आप बिलीव कर पाएंगे, एक यहाँ पे अल्बेनिया है, इधर रुके मैं शायद मैप रखाऊंगा। अच्छा, पहले एस्टोनिया का देख लीजिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये 1960 के बारे में बात कर रहे हैं फर्टिलिटी रेट के बारे में, ये ब्लू कलर में, ये रहा एस्टोनिया, आप देख भी सकते हैं, यही एकमात्र ऐसा देश है जहां पे फर्टिलिटी रेट जो वो 2 से भी कम था, राइट। और मैंने बोला आज की तारीख में यूरोपियन कंट्रीज में सिर्फ और सिर्फ दो देश ऐसे हैं जहां पे फर्टिलिटी 2 से ज्यादा, फर्टिलिटी रेट जो है, एक तो अल्बेनिया में और दूसरा आइसलैंड में। अल्बेनिया ये इटली के पास, ये रहा अल्बेनिया, मैसेडोनिया यहाँ पे रहा, बल्गेरिया सब, तो ये रहा अल्बेनिया, अल्बेनिया के अलावा आइसलैंड ऊपर की तरफ, ये रहा आइसलैंड। तो यहाँ पे आज सिर्फ दो देश ऐसे बचे हैं। हालांकि एनबीईआर जो है, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, उन्होंने एक और रिपोर्ट दिया, तो ये नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा लॉन्ग रन में लो फर्टिलिटी रेट से बहुत इफेक्ट करने वाला है क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ। वैसे आप इस चीज को आप नॉर्मली भी सोच सकते हैं, आप सोच के देखिए, अगर फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगी, अगर फर्टिलिटी रेट कम है तो पॉपुलेशन श्रिंक करने लग जाएगी, लोगों की जो एजिंग क्लियर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है तो एजिंग पॉपुलेशन बढ़ते चली जाएगी, तो लोग यहाँ पे जब कम आएंगे और जब फैमिलीज कंपेरेटिवली बड़ी रहेगी, तो आप खुद से बताइए डिमांड घटेगा, डिमांड घटेगा तो आपके देश के इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे कम पैसे लगाएंगे, आपके देश के अलावा बाहर से आने वाले इन्वेस्टर्स भी कम पैसे लगाएंगे, तो अल्टीमेटली देश की इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा कि नहीं फर्क पड़ेगा, बहुत अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। इसलिए ना ऐसे आइसोलेटेड टॉपिक नहीं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसे कि यूरोप में से कई बार ऐसे कहा, डिस्कशन भी किया जाता है, कहा भी जाता है कि यूरोप में जैसे लो फर्टिलिटी रेट है तो ठीक है, इससे क्या होता है, एक चाइल्ड को, एक बच्चे को मतलब बड़ा करने है, उसकी परवरिश करने में कम पैसे खर्च होते हैं, तो ज्यादातर पैसे बच जाते हैं, तो जब जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उनके पास ज्यादातर पैसे बच जाते हैं, लेकिन जब उस वर्किंग एज को जो बच्चा जब वो रिप्लेस करता है, अब लॉन्जिविटी तो ज्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ गई है, और इसके अलावा जो फर्टिलिटी रेट कम होने के कारण जो रिप्लेस करने वाली जनता है, जो बच्चे हैं वो, तो इससे पॉपुलेशन श्रिंक होने लग जाती है। तो अल्टीमेटली जो शॉर्ट टर्म बूम है वो तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली दिस लीड्स टू ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन। और दूसरी इसी तरह की जो बहुत इंपैक्ट क्रिएट करने वाली चीज है फर्टिलिटी रेट के अलावा, वो है इमिग्रेशन। तो माइग्रेट करके आने वाली आबादी, माइग्रेशन, अगर ये माइग्रेशन बंद हो जाए तो मुझे पता नहीं भाई यूरोप में और यूएस में और इन देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में,
बहुत मतलब बहुत दिक्कत होने लग जाएगी। आज यही माइग्रेशन है जिसने उस फर्टिलिटी रेट में डिक्रीमेंट को कवर करके रखा हुआ है ज्यादातर देशों में यूरोप के। हालांकि कुछ देशों में ऐसा भी कहा जाता है, जैसे कि ऑस्ट्रिया वगैरह में आप देखेंगे तो ऐसा भी कहा जाता है कि पिछले 50 साल में उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। ये जैसे आप देखेंगे ऑस्ट्रिया, इसकी राजधानी वियना, हंगरी, बुदापेस्ट वगैरह, ये सब, ये चेक रिपब्लिक कैपिटल इसका प्राग, तो प्राग वगैरह में, प्राग मतलब सॉरी, तो प्राग वगैरह में भी लोग बहुत घूमने फिरने जाते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है सभी की सभी। तो ऑस्ट्रिया में भी ऐसा, ऑस्ट्रिया में कहा जाता है कि उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा इस चीज़ से, ठीक है ना पड़ाओ, लेकिन इन जनरल तो काफी फर्क पड़ता है। तो बेबी बर्स्ट का एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो इम्पैक्ट, तो ये बेबी बर्स्ट का इम्पैक्ट है क्या सर? तो अब आपसे कोई पूछेगा बेबी बर्स्ट और बेबी बूम अच्छी चीज है कि खराब, तो अब आप उससे क्या पूछेंगे? विथ रेस्पेक्ट टू वॉट, विथ रेस्पेक्ट टू कौन सी ज्योग्राफी, विथ रेस्पेक्ट टू विच इकोनॉमी आर यू टॉकिंग अबाउट, करेक्ट पॉइंट है। तो इंटरव्यू में कभी जो आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखो, बेबी बर्स्ट अगर आप देखेंगे तो विथ रेस्पेक्ट टू, अगर आप एशियन इकोनॉमी देखेंगे मतलब एशिया की ज्योग्राफी के हिसाब से देखेंगे, अफ्रीका के हिसाब से देखें, तो बेबी बर्स्ट बहुत बढ़िया चीज है जिसने पॉपुलेशन को कैप किया है, जो एकदम तेजी से शू शाह पॉपुलेशन बढ़ रही थी जिसको डेस्परेटली जरूरत थी कम होने की, वहां पे फर्टिलिटी रेट में जो डिक्रीमेंट आया है जिसके कारण बेबी बर्स्ट हुआ है, विच इज गुड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अच्छे नहीं है उन देशों के लिए जहाँ पे पॉपुलेशन, जहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अगर बिकॉज आपको लोग तो चाहिए ना, वर्कर्स चाहिए, कंज्यूमर्स, अरे कंज्यूमर्स नहीं, किसको बेचोगे सामान, कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप खड़े, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए तो लोग चाहिए ना आपको, आपको आइडियाज चाहिए, आपको बिजनेस चाहिए, आपको इनोवेटर्स चाहिए, आपको केयर टेकर्स चाहिए, आपको आपके देश की आर्मी चाहिए, वहां पर भी तो लोग चाहिए ना। सो अल्टीमेटली वी नीड पीपल, राइट? सो बेबी बर्स्ट इज नॉट अ गुड थिंग, इट्स प्रॉब्ली इट्स अ बैड थिंग, स्पेशली टू डेवलप्ड कंट्रीज। जैसा मैंने आपको बोला था, ये फिगर मैं आपको जब अगली बार दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा ऑथेंटिक और जेन्युइन लगेगा। तो अब जो हम देख सकते हैं वो श्रिंकिंग पॉपुलेशन तो है, बट इट्स एन एजिंग वन एज वेल। पॉपुलेशन तो श्रिंक हो रही है इस बच्चे के हिसाब से, एज भी हो रही है क्योंकि अभी आप देखें लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, राइट? सो अब ऐसा हो रहा है कि देर इज अ स्मॉलर वर्किंग, स्मॉलर बेस ऑफ वर्किंग सपोर्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ रिटायरीज, एंड अल्टीमेटली इसे जो चीज देखने को मिलती है वो ये है, लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर एवरी वन। दिस इज नॉट अ ग्रेट आइडिया। तो एन ओल्डर पॉपुलेशन ऑल्सो टेंड्स टू बी लेस प्रोडक्टिव। आज से कुछ वक्त के बाद हम भी वहां पे होंगे जब हम भी एक लेस प्रोडक्टिव में आएंगे, इसमें कोई खराब बात ऐसा मत सोचिएगा प्लीज। तो हम लेस प्रोडक्टिव हो जाते हैं, राइट? एडिशनली जो भी श्रिंकिंग पॉपुलेशन है, जैसे मैंने आपको कहा कि डिमांड श्रिंक होने लग जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग श्रिंक होने लग जाएगा, तो जो इन्वेस्टर्स हैं आपके देश में, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं चाहे वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्ट तो नहीं करेंगे ना यार। इसी तरह से अगर ये रहा जैसे इंडिया, आप इंडिया से जाना शुरू करेंगे इधर, तो ये आएगा चाइना, चाइना के बाद यहाँ पे आएगा कोरियन पेनिनसुला, ये है येलो सी, ये है सी ऑफ जापान, और इधर आएगा क्योटो मतलब जापान, तो टोक्यो, सॉरी आई एम रियली सॉरी, मैं क्योटो प्रोटोकॉल याद कर लिया था, टोक्यो आई एम रियली सॉरी। तो टोक्यो ये रहा जापान, मतलब में आपको सी ऑफ जापान के साथ ये रहा जापान। जापान में बहुत सीवियर है ये प्रॉब्लम, जापान में पॉपुलेशन श्रिंक भी कर रही है, मतलब फर्टिलिटी रेट भी कम है, लेकिन एकदम गरीबी में आटा गीला, और मतलब माइग्रेशन भी ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, बहुत कम माइग्रेशन है। अब आप सोचिए मतलब डबल दिक्कत हो जा रही है ना। तो जापान में अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन श्रिंक भी कर रही है, एज भी कर रही है, और माइग्रेशन भी नहीं है। तो जापान की पॉपुलेशन बहुत बुरी तरह श्रिंक कर रही है। अभी तात्कालिक रूप से उनकी आबादी है 127 मिलियन, ऐसा कहा जा रहा है 2050 में तकरीबन 100 मिलियन के आसपास रहेगी, और फिर वो आबादी फर्दर गिरती चली जाएगी। जैसे मैंने कहा वहां पर फर्टिलिटी रेट भी कम है, दूसरा इमिग्रेंट पॉपुलेशन भी कम है, और तीसरी चीज एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। तो ये जापान के लिए बहुत ही खतरनाक हो रहा है। जापान अकस्टम नहीं है इमिग्रेंट पॉपुलेशन से बिल्कुल, जो चीज़ आप देखेंगे यूरोप में रेडिली दिखेगी आपको, यूएस में दिखेगी, कनाडा में दिखेगी, ऑस्ट्रेलिया में भी दिखेगी आपको, लेकिन जापान में ऐसा आपको कम देखने को मिलेगा। इसका काफ़ी कुछ रीज़न है, वैसे लो सैलरी रीज़न है, बहुत प्राइम रीज़न उसका लैंग्वेज बैरियर भी है, और इसके कारण क्या हो रहा है, जो स्किल्ड मैन पावर है वो लोग वहाँ पे मूव नहीं कर रहे, तो या तो सेमी स्किल्ड, लो स्किल्ड या अनस्किल्ड मैन पावर मूव कर रहे। तो इस तरह से एक तो जो मूव कर रहे हैं वो जनता बहुत कम है, जो मूव कर भी रहे हैं वो लो स्किल्ड है, तो ये और दिक्कत भरा हो जा रहा है जापान के लिए। हालांकि मैं आपको एक बात जरूर बोलूंगा कि पिछले कुछ वक्त में 2005 से अभी देखा गया 2015 में, इस 10 साल में फर्टिलिटी रेट हालांकि जापान में 1.26 से बढ़ी है, 1.5 के आसपास हुई है, लेकिन अभी भी 2.1 से कम है ना। तो मैंने आपको बोला था रिप्लेसमेंट लेवल है 2.1, इससे कम होना डेंजरस है ना।
तो फर्टिलिटी रेट हालांकि पिछले 10 साल में 2005 से 2015 में राइज हुई है 1.26 से ऑलमोस्ट 1.5 है, लेकिन कम है ना यार 2.1 से। तो ये कंसर्निंग है जापान के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अब दुनिया में सरकार को भी सामने आना पड़ेगा, लोगों को भी सामने आना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, कैसे फर्टिलिटी रेट को इम्प्रूव करें 2.1 या उसके आसपास रखें, ज़्यादा रखें। तो फ्रांस में देखा गया कि फ्रांस बहुत सक्सेसफुल मॉडल है फ्रांस में, तो फ्रांस में देखा गया कि सरकार काफ़ी प्रमोट करती है वर्क लाइफ बैलेंस के लिए। इसके अलावा बहुत सारे जनरल सब्सिडीज, और सिर्फ फ्रांस में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में आप देखेंगे तो आप कैसे बहुत जनरल सब्सिडीज, गिफ्ट वाउचर्स नर्सेस को भेजा जाएगा डिलीवरी के वक्त, और कुछ वक्त पे वुमेन को जो देखभाल करने के लिए, विच इज़ नॉट द ग्रेट जेस्चर। अनफॉर्चुनेटली जापान में अभी, जापान, आई एम रियली सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट जापान इज राइट नाउ इट्स परफेक्टली पोजिशन इन अ नेगेटिव वे एज अ लेबोरेटरी फॉर लेफ्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया एकदम एक टक देख रही है जापान को, कि जापान इज गिरती हुई, जो फर्टिलिटी रेट गिर रही है, एजिंग पॉपुलेशन जो एजिंग बढ़ रही है, और तीसरी चीज जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है नहीं, मतलब इमिग्रेशन हो नहीं रहा वहां पे, माइग्रेट करके लोग नहीं आ रहे। जापान इस चीज से कैसे, जापान के लोग निसंदेह बहुत ही मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है, सब कुछ है, सारी तारीफ है जापान के लिए, जबरदस्त देश है जापान। लेकिन अभी पूरी दुनिया एक टक ये देख रही है कि जापान क्या करता है और कैसे निकल के आता है, और दुनिया का कोई भी देश इस स्थिति तक नहीं पहुंचना पहुंचना चाहता जहां पे वो खुद बताए अपने देश के लोगों को, वी वॉन्ट टू इंक्रीज द फर्टिलिटी रेट, अदर नेशन माइट वॉन्ट टू अवॉइड दिस, अवॉइड इन सच अ पोजिशन वेयर दे हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स टू मेक देयर सिटीजन्स रिप्रोड्यूस। सो टू मेक देयर सिटीजन्स रिप्रोड्यूस, ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी। तो ये था आज का टॉपिक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और मैंने आपको इसलिए कहा था, जब मैं खत्म करूंगा इस टॉपिक को, तब आपको टॉपिक एक ऐसी दुनिया जहां पे आप इमेजिन कर सकते हैं मोर ग्रैंड पेरेंट्स देन ग्रैंड चिल्ड्रन, शायद ही ज्यादा क्लियर होगा। और मेरे ख्याल से अब आपको ये फोटोग्राफ बिल्कुल ऑफेंसिव नहीं लगेगी, कि नाउ दिस फोटोग्राफ मेक सेंस। हम लोगों ने फर्टिलिटी, माइग्रेशन, इकोनॉमिक वेलनेस को सभी चीजों को कंपेयर करके देखा और पूरी दुनिया के बारे में समझा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप ये वीडियो यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, कहीं पर भी देख रहे होंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप में से जितने भी बच्चे कमेंट करते हैं, आपके सारे कमेंट्स को पढ़ते जरूर हैं, तो मुझे बताइएगा अच्छा लगा, बुरा लगा, नहीं अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, कुछ भी बताइएगा, पर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ आपको हमारे यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेनर सौरभ ठाकुर मिल जाएंगे। मुझे आप अपना ओपिनियन भी जरूर दिखिएगा, लिख के बताइएगा, अच्छे सभ्य भाषा में लिखिएगा, लेकिन लिख के बताइएगा जरूर आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, या फिर कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे मैं सौरभ ठाकुर आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग फिर से कंटेंट डेवलपमेंट सेशन में मिलेंगे, और फ्यूचर में और इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। दिसंबर का वक्त जैसे आएगा तो आप लोग के इंटरव्यूज वगैरह स्टार्ट होने लगेंगे, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हम और बढ़ा देंगे, क्योंकि कैट आईएम के और बाकी इंटरव्यूज के पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पिछले एक साल के, वो हम लोग सब कवर कर देंगे, या आने वाले समय जो टॉपिक्स होंगे, फाइन। तो मैं सौरभ ठाकुर आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।